नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बच्चू सिंह रावत जी का रविवार रात करीब 8:47 पर एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बीते शनिवार को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री बच्चू सिंह रावत जी को हेली एम्बुलेंस के माध्यम से हल्द्वानी से एम्स ऋषिकेश लाया गया था। यहां उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। एम्स के जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहन थपलियाल ने बताया कि वो फेफड़ों में गंभीर संक्रमण से ग्रसित थे। एम्स आईपीडी में संस्थान के पल्मोनरी मेडिसिन और जनरल मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज लगातार किया जा रहा था, जहाँ इलाज के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा। चिकित्सकों ने उन्हें सीपीआर दिया, लेकिन रात 8:47 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड के पहाड़ों से लोगों को विस्थापित कर हरिद्वार के सुमन नगर में बसाया गया था। सरकार टिहरी से विस्थापित होकर हरिद्वार में बसाए गए लोगों के लिए बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन यहां सुमन नगर क्षेत्र की धरातल पर सरकार के दावों की पोल बड़े पैमाने पर खुलती है, जब सुमन नगर मूलभूत सुविधाओं जैसे कि पानी, सड़क, बिजली की बदहाली से जूझ रहा होता है। लेकिन सरकार से लेकर प्रशासन तक और प्रशासन से लेकर क्षेत्रीय प्रतिनिधि तक कोई भी क्षेत्र की सुध नहीं लेने वाला। वहीं क्षेत्र की बदहाली और सरकार द्वारा सुमन नगर क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करने की जानकारी देते हुए टिहरी बांध पुनर्वास विकास समिति के अध्यक्ष MM जोशी ने बताया कि हमारे द्वारा सरकार, जिला प्रशासन और क्षेत्रीय प्रतिनिधि को पत्राचार के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया है, लेकिन सुमन नगर क्षेत्र की बदहाली को दूर करने के लिए आश्वासन तो मिल है, लेकिन विकास कार्य के नाम पर सरकार का कोई नुमाइंदा सुवर्ण नगर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर शहर में एसटीएफ देहरादून की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 200 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 8,00,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही नशे के तस्करों को संरक्षण देने वाले ज्वालापुर कोतवाली में तैनात एक पुलिसकर्मी और दूसरा एंटी ड्रग टास्क फोर्स में तैनात पुलिसकर्मी को भी नहीं बख्शा गया है। उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों के संरक्षण में नशे का धंधा फल फूल रहा था। जब कोई कार्रवाई विभाग द्वारा की जाती तो दोनों कर्मी पहले इसकी सूचना तस्करों तक पहुंचा देते थे, जिसकी एवज में उन्हें अच्छी खासी रकम दी जाती थी। कि कहीं ना कहीं कोई पुलिस वाले इन्वॉल्व हो, तो मैंने एसटीएफ को विशेष रूप से टास्क दिया था कि अगर कहीं ऐसा है तो उन पे हमें कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि जब मैंने DGP का पदभार ग्रहण किया था, आपको याद होगा, मैंने एक अपील जारी की थी पुलिस कर्मियों के लिए, और मैंने उसमें लिखा था कि कोई भी पुलिस कर्मी जो अपराधियों से मिले हैं उनके लिए पुलिस में जगह नहीं, उनको खाकी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। तो उसी बात को हमने इंश्योर किया है, इनको दोनों पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया है। हमने उनको लंबे समय से उन पर निगरानी पे थे, हमारे रडार पे थे, और प्रूफ मिलने के बाद कल हमने उन्हें जेल भेज दिया और उनको सर्विस में भी नहीं रखा जाएगा किसी भी हालत। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 26,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा है कि मुख्यमंत्री बढ़ते मामलों को लेकर गंभीर हैं। सभी आला अधिकारी की बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में ICU बेड की स्थिति को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बेड उपलब्ध कराए जाए, मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के चालान भी किए जाए। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म होने पर अब कांग्रेस भी सरकार पर सवाल उठाने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बुटियाल ने सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार हालात को काबू पाने में पहले से नाकाम है। मरीजों को दवाइयां और इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। एक तरफ कुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका कोई फायदा नहीं है। हमें उम्मीद नहीं है कि सरकार में हमें कोरोना से निजात मिल सकेगी। देखिए, जिस तरह से कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं और सरकार को यह नहीं पता है कि इस कोरोना से बीमारी से हमें किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से लड़ना है। हमारे अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह चरमरा गई हैं, नंबर ऑफ केसेस और पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और हमारे अस्पतालों में इंतजामात नहीं है, सरकार की कमी रही है इसमें। सरकार जो है रेमडेसिविर जो है इंजेक्शन की जो है आपूर्ति नहीं कर पा रही है, जिससे जो है जितने भी पेशेंट्स हैं उनको बहुत इंतजामात करने में उनको तकलीफें करनी पड़ रही हैं, दर दर भटकना पड़ रहा है, बावजूद इसके उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं।
कोविड संक्रमण को देखते हुए एम्स ऋषिकेश ने ओपीडी सुविधाओं को बंद करने का निर्णय लिया है। अब सभी सामान्य मरीज टेलीमेडिसिन ओपीडी के माध्यम से देखे जाएंगे। इसके साथ ही कोविड मरीजों के उपचार के लिए एम्स अस्पताल प्रशासन ने 300 से ज्यादा बेड आरक्षित किए हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या 500 तक भी की जा सकती है। बाजपुर में पत्नी से अनबन के चलते ससुरालियों द्वारा एक पिता को उसके नवजात पुत्र से न मिलने देने पर पिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं फांसी पर लटकने की पूरी वारदात मृतक युवक ने मरने से पहले अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर दी। बता दें कि गांव महेशपुरा निवासी विक्रम सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। विक्रम की मौत की भनक लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद परिजनों द्वारा विक्रम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। के परिजनों द्वारा इसका नाम विक्रम सिंह है, उर्फ बिक्की नाम है इसका। पिता का नाम है दिनेश चंद्र, रहने वाला महेशपुरा का है, बाजपुर, उम्र 26 वर्ष है। तो इसके परिजनों द्वारा बताया गया कि इसने अपने व्यक्तिगत कारणों से फांसी लगाने की कोशिश की थी। तो उपचार के दौरान इसको जब लाया तो ये मृत अवस्था में यहाँ अस्पताल में लाए थे, हमें सूचना मिली है। फिलहाल अभी पंचायत में कार्रवाई की जा रही है, पीएम रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा। रुड़की के मेवरकला गाँव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति खंडित होने के बाद दलित संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल दर्जनों ग्रामीणों के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल के आवास पर पहुंचे और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा विधायक ने सरकार को भेजे गए ज्ञापन में हरिद्वार जिले में लगातार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति खंडित करने के मामले की जांच कराने की मांग की है। इतना ही नहीं, जिले की तमाम भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की है। इस दौरान भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि हरिद्वार जिले में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं को कुछ असामाजिक तत्व द्वारा लगातार खंडित किया जा रहा है। उनके विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के भीसीपुर गांव में 25 नवंबर 2020 को भी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था, जिसका मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रुड़की के मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक की सड़क के दिन अच्छे आए हैं। विधायक प्रदीप बन्ना ने 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से यहां के लोग इस सड़क के निर्माण की मांग करते आ रहे थे, लेकिन इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। ये सड़क मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक पूरी तरह से टूटी हुई थी। वहीं सड़क को बनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा भी की गई थी। आज इस सड़क का शिलान्यास विधायक प्रदीप बन्ना ने फीता काटकर किया। उन्होंने बताया कि इस सड़क का निर्माण कार्य 1.36 करोड़ की लागत से किया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।